मान है, सम्मान है, संस्कारों का वो ज्ञान है। वो टूटती है, बिखरती है, कुछ पाती है, कुछ खोती है, फिर भी सहर्ष स्नेह लुटाती है। वो शक्तिशाली है, स्वावलंबी है, वो अभिमानी नहीं स्वाभिमानी है। भगवान ने जो भी किरदार दिए उसमें वो हर पल प्यारी है। माँ की वो दुलारी तो पिता की राजकुमारी है। वो जननी है सृष्टि की, उसे जरूरत सम्मानित दृष्टि की। वो आन भी है और शान भी, वो मान भी है सम्मान भी। मैं अपने पंख खुद बनूंगी, हाँ मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। महिलाओं को कई नामों से नवाजा गया है, माँ, बेटी, बहन, सखी, सहेली, जीवन संगिनी। जी हाँ, महिला अपनी जिंदगी में कई किरदारों को एक साथ निभाती है और हर किरदार में छलकता है प्रेम, स्नेह और मातृत्व। महिला दिवस का ये दिन ये गिनने का भी है कि आखिर हमने मील के कितने पत्थर पार कर लिए। सचमुच गौरव और आत्मविश्वास से कलेजा तर हो जाता है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने पुरुष प्रधान देश में एक अलग मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महिलाओं का देश की आजादी और विकास में विशेष योगदान रहा है। 21वीं सदी की महिला ने अपने शक्ति को पहचान लिया है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है। घर के कुशल प्रबंधन की प्रतिभा के साथ अब महिलाएं कार्यक्षेत्र में भी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाती देखी जा रही हैं। बड़े से बड़े पद पर वो बड़ी सफलता से काम करके अपना लोहा मनवा रही हैं। आज विश्व के पहले लोकतंत्र में महत्वपूर्ण पदों पर बेहतरीन संस्कारों की महिलाएं आसीन हैं। और ये भी गौरव की बात है कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, किरण बेदी और कल्पना चावला जैसी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। कहते हैं कि नारी जब शिक्षित होती है तो देश शिक्षित होता है। आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं बैंकिंग सेक्टर में हैं। फॉर्च्यून की टॉप 50 महिलाओं की लिस्ट में जो चार महिलाएं हैं उनमें ICICI बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर चौथे स्थान पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख चित्रा रामकृष्ण 17वें पायदान पर, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा 32वें और HSBC की नैनालाल किदवई 42वें स्थान पर हैं। चित्रा रामकृष्ण भारत में एक्सचेंज की अगुवाई करने वाली पहली महिला हैं। 7 राष्ट्रीय बैंकों में महिला चीफ हैं। स्टेट बैंक के इतिहास में पहली बार महिला चेयरपर्सन के पद पर अरुंधति भट्टाचार्य ने कार्यभार संभाला। बैंक ऑफ इंडिया की MD विजय लक्ष्मी अय्यर, इलाहाबाद बैंक की MD शुभ लक्ष्मी पर्ण, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन और MD अर्चना भार्गव ने महिलाओं के लिए सफलता के दरवाजे खोले हैं। भारतीय बैंकिंग सेक्टर US की तुलना में ज्यादा वुमेन फ्रेंडली है, जबकि अमेरिकन बैंकर मैगजीन की एक लिस्ट के मुताबिक वहाँ बैंकिंग सेक्टर में 25 में से सिर्फ 3 महिलाएं ही टॉप पोजीशन पर हैं। पुरुष ब्रेड विनर है और स्त्री होममेकर। क्या ये ख्याल अब बासी नहीं लगता? करियर बनाने और घर चलाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ पुरुषों के कंधों पर नहीं है, स्त्री के कंधे भी इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब वो घर बाहर दोनों संभाल सकती है। आज वो ब्रेड विनर भी है और होममेकर भी। करियर की चुनौतियां जुझारू बनाती हैं, तो घर की दुनिया धैर्य और क्षमताओं की परीक्षा लेती है। रूबरू के सफर में भी हमने आपको ऐसी ही कामयाब महिला एंटरप्रेन्योर की सफलता की कहानी दिखाई। इनके करियर की चुनौतियां इन्हें जुझारू बनाती हैं, तो घर की दुनिया धैर्य और क्षमताओं की परीक्षा लेती है। जी हाँ, यही तो है सुपर वुमन। आज जिस वुमन एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ पेशे से डॉक्टर हैं, बल्कि बहुत ही कम समय में उनके हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल ने काफी नाम कमा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान की।
सनराइज हॉस्पिटल जो लोगों के लिए आशा की किरण साबित हुआ है। कहते हैं यहाँ इलाज कराने से जिंदगी रोशन हो जाती है। सनराइज हॉस्पिटल में मरीज आते तो हैं अपनी ढेरों बीमारियों के साथ, लेकिन यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद एक नई सुबह उनका स्वागत करती है। इस हॉस्पिटल की ये विशेषता है कि कई तरह की तकनीकी के साथ यहाँ सर्जरी की जाती है, जैसे लेप्रोस्कोपी, थोरिकोस्कोपी, आर्थोस्कोपी और साइस्ट्रोस्कोपी। अनुभवी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख और मशवरे से मरीज को एक नई जिंदगी मिलती है। सनराइज हॉस्पिटल को सर्जरी के क्षेत्र में विश्व विख्यात बनाने के पीछे एक ऐसी सोच है जो निरंतर काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनराइज हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर निकिता त्रिहान की। डॉक्टर निकिता को ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में महारत हासिल है। उनका एकमात्र लक्ष्य है देश की हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग कराना और उनमें जागरूकता फैलाना। आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, यू आर अ डॉक्टर प्लस एंटरप्रेन्योर, व्हाट्स मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर यू? आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट इज बैलेंसिंग टाइम विद द फैमिली, विद बीइंग अ सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। ये सारी चीज़ें, दिन किधर शुरू होता है किधर ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं होता। आप कितनी सेंसिटिव और इमोशनल हैं अपने पेशेंट्स के प्रति? वेरी मच आई एम। मैं इस प्रोफेशन में सिर्फ अपने पैशन की वजह से आई हूँ, बिकॉज आई रियली केयर फॉर माई पेशेंट्स। इनफैक्ट एवरी पेशेंट आई सिट एंड काउंसिल देम फॉर हाफ एन आवर कि आपकी सर्जरी ऐसी होगी, आप ऐसे करेंगे, ये सर्जरी के बाद होगा। आई डू माई पोस्ट ऑफ ट्रांस आई सेल्फ, आई हैव फोर जूनियर्स, बट फिर भी मैं हर एक पेशेंट को खुद देखती हूँ, पहले भी बाद में भी, सर्जरी भी खुद करती हूँ, बिकॉज आई फील कि दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रस्ट। अगर कोई पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में मुझे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ देता है, तो उससे ज़्यादा वो मुझे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। कोई किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लेट दैट पर्सन डाउन। सो फॉर मी माई पेशेंट्स आर अ प्रायोरिटी। सो वी आर ऑन राउंड नाउ। वी आर ऑन अ पोस्ट ऑपरेटिव राउंड। दिस इज द फर्स्ट पेशेंट। ये अफगानिस्तान से स्पेशली इस सर्जरी के लिए यहाँ आए। इनकी कल सर्जरी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गई है और ये आज वापस इंडिया में अपने घर जा रहे हैं और कल ये वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी के बाद सेम डे अगले दिन मैक्सिमम पेशेंट घर चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर खुद एक महिला है तो वो बेहतर समझती हैं कि हर एक औरत का बच्चा उसकी कमजोरी होता है। बिल्कुल। एंड दिस इज़ आवर स्पेशल नर्सरी स्टाफ सीमोन एंड सौम्या। They are very, very, very good at baby care and to look after newborns. So I'm really proud of my team because they really, really, really look after babies with TLC. डॉक्टरी पेशी के अलावा एक सक्सेसफुल गृहिणी भी, और उनके घर पे बैठे हैं हम। आइए पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। कैसे आपने अपनी बहू को चुना? इधर एक शाद के भाई की शादी थी, शादी के लिए आई थी दिल्ली। उस टाइम उसे बॉम्बे में एमडी सीट उसकी मिल गई थी उसको, और शादी के लिए दिल्ली आई तो मेरे बेटे से मिली एंड शी डिसाइडेड शी वांटेड टू मैरी हिम। एक वंडरफुल मेरी डॉटर है डॉक्टर निकिता, बहुत ही केयरिंग पर्सन, बहुत ही आई मीन अ वेरी गुड मदर and a very professional doctor who always seeks for excellence. I could complete मैं अपनी post graduation, fellowship सब कुछ कर पाई जी सिर्फ अपनी mother-in-law की वजह से। Family support है, my parents are also there, everybody is there, my husband is also there. I'm one of the very few blessed people जिनको चार parents का support है। मेरे parents और मेरे like I don't call them in-laws or anything, I call them Bombay parents and Delhi parents. So my Bombay parents support me in my Bombay ventures and my Delhi parents support me in my Delhi ventures. She is a very sporty person too. Ah, you hi pehlo po main baithe raho aa jaane ki zid na karo aa jaane ki zid na karo आपकी तरह जो महिलाएं हैं जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, प्रोफेशनल बन रही हैं और ख़ास तौर पे एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखती हैं, व्हाट यू वांट टू
टेल देम और क्या संदेश है आपका? कोई भी गलत प्रोफेशन में आप जाओगे किसी और को खुश करने के लिए, तो ना तो आप उसको खुश कर सकोगे ना अपने आप को, तो पहले अपने आप को। आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारी खास मेहमान है भारती तनेजा। डॉक्टर भारती तनेजा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लोगों को खूबसूरत दिखने के ना सिर्फ गुर सिखाए बल्कि अपने आप को बेहतरीन ढंग से कैरी करने का सलीका और खूबसूरती के सही मायने भी बताए। दिल्ली में पली बढ़ी भारती बचपन से ही पढ़ाई में होनहार और कलात्मक गुणों से परिपूर्ण थी। उनकी चाह बचपन से ही कुछ ऐसा करने की थी जिससे दुनिया में उनका नाम हो और एक अलग पहचान बने। दौलतराम कॉलेज से बीएससी करने के बाद उन्होंने बीएड किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही रशियन लैंग्वेज भी सीखी। दिल्ली के एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही भारती ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका पैशन एक दिन उनका प्रोफेशन बनेगा, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। शादी के बाद भारती को काम करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे और उन्होंने घर और बच्चों की परवरिश को अपनी पहली जिम्मेदारी समझी। भारती के दिन तो गुजर रहे थे रोजमर्रा के कामों में, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग कुछ अलग करने की चाह बुन रहा था और इस चाह ने उड़ान भरी करीब 10 साल बाद, जब उनकी माँ जैसी सास ने उनकी सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। 1988 में भारती तनेजा ने महज 2000 रुपयों से अपने बिजनेस की नींव रखी और इसे नाम दिया एल्प्स कॉस्मेटिक क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। भारती ने अपने आप को आयुर्वेद और मैग्नेटोथेरेपी में स्पेशलाइज किया और हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक से कॉस्मेटोलॉजी, एरोमाथेरेपी और नेल आर्ट जैसे एडवांस ब्यूटी कोर्सेज किए और आज एल्प्स कॉस्मेटिक क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली एनसीआर में कुल 9 सेंटर्स हैं और एल्प्स के पूरे देश में कई जगह पर एकेडमी है जहां से स्टूडेंट्स ब्यूटी एंड फैशन के कोर्स कर बेहतरीन करियर बना सकते हैं। 25 साल पहले मैंने अपने छोटे से एक बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के साथ 2000 रुपए के साथ एक पार्लर क्रिएट किया था, धीरे धीरे करके पूरा घर कन्वर्ट कर दिया एक क्लिनिक में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था एल्प्स को इस मकाम तक लाने में? पैसा तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इतने कम पैसे से शुरू कर सकते हो तो आप जो चाहते हो वो कर नहीं पाते हो और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, विच आई डिड। और मैंने ये किया कि जो पैसा मैंने लगाया उसमें जब भी जितना पैसा आया सारा का सारा अपने पैसे कोई बढ़ाती थी उसी को आगे नई टेक्निक्स में, नई मशीन्स लाने में, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में, हर चीज़ को डेवलप करने में मैंने पैसा लगाया। जब आप पढ़े लिखे हो और कोई आपको बोल दे वो मेकअप वाली को बुला देना ज़रा, तो बहुत ही बुरा लगता है। शुरू में जब मैं स्टूडियोज़ में मेकअप करने गई तो लोगों ने इस तरह से बोला, तो आई जस्ट थॉट कि आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट, मैं अपने क्लिनिक पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। फिर मेकअप से तो कभी छूट ही नहीं सकता, मेकअप वाली ना बनके मेकअप एक्सपर्ट बनने की सोची। एंड अब ये अच्छी बात यह है कि इस वक्त ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अच्छा दर्जा मिल रहा है। मेरी इच्छा शुरू से रही थी कि मैं आई वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटिफुल, और अगर आप सारी दुनिया में खुद तो नहीं पहुंच सकते तो पहुंचने का मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता कि यू हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आप ही के जैसे दुनिया को खूबसूरत बना पाएँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अकेडमी हो और पढ़ाना मुझे शुरू से बहुत पसंद है। भारती मैम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितना वक्त आप दे पाती हैं स्टूडेंट्स को? हर बैच में कम से कम एक क्लास मेरी ज़रूर होती है। आपके इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है? हम लोग नॉर्मल जो लोग सीखते हैं बेसिक हेयर स्टाइल, बेसिक हेयर कट वो तो कराते ही हैं, लेकिन हम लोग एडवांस हेयर कट, एडवांस हेयर स्टाइल जो ब्यूटिशियंस ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर चला रही हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं वो लोग भी बहुत आते हैं एडवांस कोर्सेज करने के लिए, एडवांस कट के लिए, एडवांस हेयर स्टाइल। कितना फ़र्क आया है पहले से एक नॉर्मल ब्यूटी ट्रीटमेंट देने से और ये एडवांस ट्रीटमेंट देने से? जब तक हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेके ट्रीटमेंट नहीं करते, ज़रूरत हो तो साथ में मेडिसिन नहीं देते, तो किसी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से ट्रीट करेंगे तभी किसी को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो राइट टेक्निक, राइट प्रोडक्ट एंड राइट काइंड ऑफ मेडिसिन इफ़ नीडेड, मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद इंटरनली एक्सटर्नली किसी को ट्रीट करेंगे तो ही वो ठीक हो सकता है। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बलराज जी ने कितना साथ दिया आपका और ख़ासतौर पर बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है?
फाइनेंस भी पूरा यही संभालते हैं मेरे बिजनेस का, और हम लोगों का बिजनेस भी कॉम्प्लीमेंटिंग है ना, तो मुझे जो मशीन्स चाहिए, मुझे प्रोडक्ट्स में इनोवेशन चाहिए, सब कुछ है, वो भी यही देते हैं। आई फील ग्रेट कि मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस आई लुक एट माई कंपनी, आई सी द हार्ड वर्क, कितना उसमें मेहनत है, श्रम है। सेकेंडली, हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात हमें अच्छे से सिखाई है कि ऑनेस्ट रहना है। आपकी मम्मी में एक ब्यूटी एक्सपर्ट के अलावा और क्या क्या खासियत हैं जो मैं नहीं जानती या हमारे दर्शक नहीं जानते? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी रही है इस के शी नोज हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। एंड फर्स्ट, एक तो वो बैलेंस करने में बहुत अच्छी है, सेकेंडली शी इज़ वेरी हार्ड वर्क। उनके फ्रेंड्स के साथ भी उतना ही अच्छा रिलेशन है जितना फैमिली के साथ है। शी विल सोशलाइज, उसके बाद जब घर पर आएंगी देन शी विल गिव टाइम टू मी ऑल्सो एंड माई सिस्टर। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके हस्बैंड्स को या फिर फादर और यू नो मेल पर्सन इन द फैमिली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ दे शुड सपोर्ट? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम छोटे हो जाएंगे अगर मैं इसको सपोर्ट करूँगा, या हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे अगर ये थोड़ा राइज कर जाएंगे, ऐसा मेरे विचार से कुछ नहीं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी। इनका विजन है टू फाइट एंड विन द बैटल अगेंस्ट कैंसर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सुवर्षा खन्ना की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से धर्मशिला की नींव पड़ी? 1981 से लेके और 1988 तक मेरे पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर था, और जिस वक्त वो डायग्नोज हुआ हमें बताया गया कि वो एक तो स्टेज 4 है और दूसरा वो बहुत ही एक एग्रेसिव किस्म का ट्यूमर है, तो दिनों या हफ्तों की बात है, महीने की बात नहीं है। उस वक्त पूरे उत्तरी भारत के अंदर 75 बेड्स थे कैंसर के, और उन अस्पतालों के अंदर जो उस वक्त की पॉलिसी थी उसके मुताबिक खाली क्योरेबल पेशेंट स्टेज 1 और 2 के ही लिए जाते थे, दूसरे पेशेंट को नहीं लिया जाता था, तो हम तो रिजेक्ट हो गए। जब मैं जगह जगह गई तो इतना नेगेटिव एटीट्यूड मैंने देखा टूवर्ड्स कैंसर पेशेंट, डॉक्टर्स का भी और जनता का भी। उससे एक बर्निंग डिज़ायर अंदर पैदा हो गई कि इस सीन को बदलना ही है। सो अब डैडी की डेथ हुए 1 महीना हुआ, मैंने 1 महीना सो लिया, महीने के बाद मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन काम करते करते भी दिमाग में क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जो है मेरे दिमाग के अंदर भूत की तरह मेरे अंदर चपक गया। 90 में फाइनली मैंने NGO रजिस्टर करा लिया। एज अ पीडियाट्रिशियन यू आर वेरी फेमस, क्लोज टू पीपल, अब कैसा महसूस कर रही हूँ? जैसे गीता में कहते हैं कि खुशी और गम और सब सम हो जाना चाहिए, अब ना कोई खुशी है ना कोई गम है, संतोष है। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ मैं आपको अपनी डिफरेंट लैब्स दिखाऊंगी, सो दैट आपको पता चल जाए कि हम कैंसर के डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं। चलिए, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी हेमेटोलॉजी लैब है। हेमेटोलॉजी लैब का मतलब हुआ कि यहाँ पे खून की हर किस्म की जांच होती है, तो खून के अंदर एक हेमेटोलॉजी डिवीजन होती है, उसकी जांच होती है, तो उसके अंदर ब्लड के अंदर हमारे क्या सेल्स वगैरह हैं उनको टेस्ट करना होता है। ये मशीन ने वो भी और ये भी, ये पूरी की पूरी घूम सकती हैं। अगर मैं सीधी लेटी हुई हूँ और अगर उनको मेरे को पीठ में रेडिएशन देनी है तो वो मशीन पीठ के नीचे से देगी, अगर मेरे को यहाँ साइड से देनी है तो साइड से देगी, अगर इधर से देनी है तो इधर से आएगी। वो सारी मशीनें जो हैं वो 360 जो हैं वो पूरा का पूरा घूम लेती हैं। ये धर्मशिला बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट हमने अभी लॉन्च करी है 1 फरवरी को, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो
जो मेरा एक सपना था, मैं मरने से पहले इस सपने को पूरा करके जाऊंगी, तो मेरा सपना पूरा हो गया। अब हम एंटर कर रहे हैं BMT यूनिट के अंदर। यहाँ पे एलोजेनिक और हैप्लोडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स होंगे। क्लीन रूम स्टैंडर्ड 10,000 ऑपरेशन थिएटर का। आप सोचो कि ऑपरेशन थिएटर तो बहुत क्लीन होते हैं, लेकिन यहाँ का हमारा स्टैंडर्ड है 1,000, विच मीन कि वहाँ 10,000 पार्टिकल्स मिल जाएं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन यहाँ 10,000 नहीं, 1,000 से कम मिलने चाहिए। ये पूरी तरह फिल्टर्ड हवा, जो हमें टेम्परेचर चाहिए, जितनी भी टेम्परेचर चाहिए, मौसम के ऊपर जितनी टेम्परेचर चाहिए, वो हमारे पास ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल कर देते हैं उस, ताकि पेशेंट के लिए कम्फर्टेबल। अब इसके अलावा इस कमरे के अंदर सफाई करने के लिए हमें एक तो स्टेनलेस स्टील डोर बता दिए, लेकिन मेरे को फर्श को भी केमिकल से साफ करना है और मेरे को वॉल को भी केमिकल से साफ करना है। वाकई में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है, उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और उसके पीछे डॉक्टर आपकी मेहनत। सो इस कमरे के लिए अंदर देखें तो हमने इसको बिल्कुल ICU की तरह तैयार करके रखा हुआ है। आप देखते हैं कि डबल उसके मॉनिटर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के और सक्शन के डबल पॉइंट। अगर ये फेल हो जाए तो मैं क्या करूँ उस वक्त, मैं डबल दूसरे पे चले जाऊँगी। हर चीज़ यहाँ पे डबल है। कितना कुछ कर दिया आपने, एक छोटी सी शुरुआत जो आपने की, आज उसे किस मकाम पे पहुँचा दिया। कैसा महसूस करती हैं आप जब इतना कुछ देखती हैं? वो एक समय था जब आप फाइलें लेकर दफ्तरों में जाती थी, बहुत अंदर से एक जैसे इंसान गदगद फील करता है कि भगवान ने मुझे चुना एक अच्छा काम करने के लिए। मैम, मैं चाहूँगी कि आप एक बार सभी का हमें सभी से इंट्रोड्यूस करा दें, कौन कौन है आपके परिवार में इस वक्त। मेरे राइट साइड में मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, ये मेरी सबसे छोटी बहन है। उसके साथ मेरी बहू है, और मेरे बाएं हाथ में मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई है रवि खन्ना। ये मेरे जीजा जी हैं, और ये मेरा नेफ्यू है। एक बार आप हमें बताएं थोड़ा सा पीछे चल के कि वो दौर कैसा था और कितना वक्त लगा उसमें पूरे परिवार को उस मोमेंट तक मैम को पहुंचाने में। पहले तो जो नाम है उस नाम में मेरे पिताजी का नाम धर्मस्वरूप खन्ना है, मेरी माँ शीला थी, तो हमने अपने माता पिता दोनों का नाम जोड़ के अस्पताल का नाम हमने स्टार्ट किया। तो उसी समय उसको तो धर्म और शीला दोनों हमने जोड़ के उसमें धर्म का। जब इन्होंने ये फैसला लिया कि अस्पताल बनाएंगे तो क्या लगा था आप लोगों को, कर पाएंगे ये? We were always very sure that she'll do it. सबसे बेहतरीन पल आपके कौन से हैं सभी के साथ बिताए हुए? जब हम छोटे थे तो हम जम्मू में होते थे, तो उस वही टाइम था जब हम सारे के सारे इकट्ठे थे। धीरे धीरे तो पढ़ाई के लिए कोई किधर निकल गया, कोई किधर निकल गया, तो अलग अलग हो गए। तो वही सबसे सुंदर पल थे जब बिना का गीतमाला का दौर था तो हम लोग खूब ऊंचा रेडियो लगा के और अपना कापी किताब निकाल के होमवर्क होता था तो साथ में गाते थे, साथ में अपना होमवर्क करते थे, और हमारे आसपास के लोग हैरान होते थे कि ये कंसंट्रेट कैसे करते हैं। लेकिन हमारी बेस्ट कंसंट्रेशन बिना का गीतमाला के साथ होती थी। इन्होंने विवाह ना करने का फैसला जब लिया, ये फैसला कितना कठिन था या आसान था परिवार के लिए? शुरू में काफ़ी कोशिश करी मेरे फादर ने भी, मदर ने भी, बट इनका माइंड था ही नहीं उस तरफ शादी के लिए, शी वॉज नेवर रेडी। देन दे गिव अप, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब शादी की तरफ नहीं ध्यान है, इसका नहीं करें। समाज में जो इनका योगदान है, हाउ यू सी दैट? जब से बचपन से ही माँ सी नहीं, ये हमारे लिए धोनी थी, माँ ही शी इज ऑलवेज बीन अ सेकंड मदर जी। बहुत ही ज्यादा प्राउड फील। वाकई में एक सोच बदलने की ज़रूरत है, हम सभी में काफ़ी कुछ है, काफ़ी टैलेंट है, और कामयाबी दूर नहीं है अगर सही सोच के साथ हम आगे बढ़ें। इसी बात के साथ लेती हूँ आपसे विदा, अगली बार मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर एंड बाय। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, rubaru@saadhnanews.net।